तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे। पता है मैं अभी अभी क्या क्या सुनकर आ रही हूँ? अरे भाई बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? बाऊजी है ना, वो अभी अभी साधना से कह रहे थे कि उन्होंने रागिनी की शादी के लिए बहुत सारा रुपया जोड़ के रखा है। अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, हर बाप अपनी बेटी के लिए जोड़ता है, तुम्हारे बाबूजी ने भी तो जोड़े होंगे तुम्हारे लिए। और भाई इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? झूठ तो मैं बोलती नहीं, तुम्हें तो हर बात समझानी पड़ती। अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बेटी ज्यादा मायने रखती है उनके लिए। उस दिन तो बोल रहे थे अगर पैसे होते तो तुरंत दे देता तुम्हारे बिजनेस के लिए। अरे जब थे तो दिए क्यों नहीं? मेरी जान, मेरी फुलझड़ी, तुम तो राय का पहाड़ बना देती हो। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि बाबूजी के पास पैसे हैं। अरे नहीं होते तो मुझसे मांगते, मैं कहाँ से देता? ये अपने दिमाग पर जरा जोर मत दिया करो, मैं बाबूजी के पास जा रहा हूँ, बहुत काम है। अरे हे भगवान, आप तो जानते ना कि झूठ तो मैं बोलती नहीं, पर इस बुद्धू राम को क्या मेरे पल्ले पड़ना था आपने? अब ये घर छोड़कर एक नई दुनिया में जाना होगा मुझे। चीची चली जाएगी तो मेरी दुनिया ही सुनी हो जाएगी। लड़का तो हमारी रागिनी चीची को देखता ही रह गया। कैसी हो रागिनी? मैं अच्छी हूँ, पर तुम सब यहाँ? अच्छा अब नहीं आना चाहिए था क्या? बहुत अच्छी सहेली हो तुम, शादी की तारीख तक पक्की होगी और हम लोगों को बता सकते हैं। अरे नहीं वो ऐसी बात नहीं, बस बहाने तो मत बनाइए ना। अरे कल हमारी रागिनी जीजी की सगाई है। अरे कुछ नाच गाना होना चाहिए, कुछ हंगामा होना चाहिए भाई। लेकिन चलिए ना, जल्दी से तैयार हो जाइए, चलिए। तेरे रहते रागिनी को शायद ही कोई पसंद करे, एक एहसान करेगी मुझ पर। तुनके सामने मत आना, नहीं तो मेरी बेटी की बनती हुई किस्मत एक बार फिर से बिगड़ जाएगी। तू अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती। ये नोटों के हार तो ठीक हैं, लेकिन 20-20 हज़ार के? हाँ बाबूजी, मुझे भी लगता है कि डिमांड कुछ ज्यादा ही है। इसी बात की चिंता है बेटा, अभी ये सब है तो आगे चलकर पता नहीं क्या क्या मांगे होंगे। लेकिन बाबूजी मुझे लगता है कि अगर परिवार अच्छा है ना तो हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, फिर रस्में हैं तो निभानी पड़ेंगी। पता नहीं बेटा ये नई नई रस्में कहाँ से आ जाती हैं। 20,000 का हार? मैं
चाचा इसे इधर रख दीजिए और जो वहाँ पर्दे पड़े ना उन्हें लगा दीजिए। अरे सुनो ये जल्दी से काका को देकर आओ और बोलो कि इसके फल लेकर गए। हाँ अरे ये कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो ना वो जो आपने सारे पर्दे लगाए हैं वो भी टेढ़े लगाए हैं, जल्दी से करो ना, देखो कितना कम टाइम बचा है। साधना तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोड़ो ना ये सब काम तो होता ही रहेगा, मुझे तैयार करना है ना तुम्हें। और हाँ हर बार की तरह इस बार मुझे अकेला मत छोड़ देना, हर वक्त मेरे ही साथ रहना। पिछली बार तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, इस बार मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली। कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पे हूँ, पर जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम मेरा साथ दो। चलो जी, आप चलिए मैं ही काम खत्म करके अभी आती हूँ। नहीं साधना मैं तुम्हारी इस बार एक भी बात नहीं सुनने वाली, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, अभी इसी वक्त तुम मेरे साथ चलो। जी जी। चलो साधना। जी जी चलो ना। हो गया सब, ये सब गोदाम में रख दो। हाँ अच्छा और ये बाहर देख लेना कि पौधों में पानी दिया है या नहीं। चलो ठीक है, हाँ बाबूजी से मिल लेना बाद में। हाँ मामी जी। मामी जी वो मुझे माफ कर दीजिए, जीजी ने इतनी जिद करी तो मुझे जाना पड़ा, वरना मैं नहीं जाती। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी, और मैं वादा करती हूँ मैं जीजी से भी दूर रहूंगी। पांच सवा पांच बज गए हैं, 6 बजे वो लोग आते होंगे। अब ये बाबू भी आधा काम छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा सुन ये उन लोगों के आने से पहले ये दरवाजे पर फूल लगा दे, चल जल्दी कर। और हाँ चाहे कुछ भी हो जाए जब तक वो लोग यहां पर हैं तो कमरे से बाहर मत निकलना, समझ गई ना? जी मम्मी जी। चाहे कुछ भी हो जाए जब तक वो लोग यहां पर हैं, तो कमरे से बाहर मत निकलना, तो कमरे से बाहर। आज ट्रैफिक नहीं था तो आप लोग भी वक्त से पहले पहुंच गए और हम भी। भगवान ये लोग इतनी जल्दी आ गए, अब क्या करूं?
साधना, वो लोग दरवाजे तक आ गए थे तब भी तू वहीं पर थी। अरे ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हाँ, अगर उन लोगों ने तुझे देख लिया होता तो जानती है ना क्या होता, बनता हुआ रिश्ता टूट सकता था। हद होती है लापरवाही की। आइंदा ध्यान रखूंगी। कितनी बार समझाया साधना, तुम यहाँ आओ, जरा चल के बताओ ना मैं चूड़ियां कौन सी पहनूं, जरा मैचिंग मिला दो ना चल के। चलो साधना। ओ, जी जी। क्या बात है साधना, कोई प्रॉब्लम है क्या? माँ आप दोनों के बीच क्या बात चल रही थी? कुछ नहीं बेटा, वो जरा इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने इसे दवाई दी थी, इसे आराम की सख्त जरूरत है। वो कह रही थी कि चक्कर सा आ रहा है, थोड़ी देर सो जाएगी ना सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है साधना, तुम्हारी तबीयत खराब है? चलो चलो तुम आराम करो चल के। जी जी बहुत सर चकरा रहा है, थोड़ा आराम कर लूं प्लीज? ठीक है साधना, तू आराम कर, हम लोग चलते हैं। चले रागनी। माँ आप चलिए, मैं बस दो मिनट में आती हूँ। नमस्ते जी। नमस्कार जी, माफी चाहता हूँ बस। अरे जी तरह बता, माफी चाहूंगा जरा, काम अभी बाकी था। जी बस सारी तैयारी हो गई है, थोड़ी सी रह गई है बस। भाई हमें तो हर जगह वक्त से पहले पहुंचने की आदत है। आप चिंता ना करें जी, काम चलने दीजिए, घर ही की तो बात है। वैसे भाई साहब रस्मों की तैयारियां हो चुकी हैं ना? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सब तैयारियां हैं। जल्दी जल्दी हो गया कि ठीक से तैयारियां करने का मौका ही नहीं मिला। कोई नहीं जी, सब ठीक ही तो है। वैसे भी शादी ब्याह में दो ही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक मंत्र ठीक से पढ़े जाए और दूसरी रीत रिवाज ठीक से निभाए जाए, बाकी सब कुछ तो 19-20 होता ही रहता है। अब आपके घर में और कौन कौन है जी? जी बाकी सबसे तो आप मिल ही चुके हैं, मेरी एक। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तकल्लुफ किस बात का, अब तो ये भी आपका ही घर है। कंगन बड़े खूबसूरत पहने हैं, चढ़ाऊ है जी? कोशी आजकल नहीं मिलते ऐसे। पंडित जी नहीं आए अब तक,
मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है ना। आइए पंडित जी। अरे पंडित जी बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। बहुत देर लगा दी बेटा। बाबूजी वो पंडित जी दूसरी पूजा में व्यस्त है आज। नमस्ते। नमस्कार। 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 नमस्ते। मैं अभी आता हूँ। जाओ जल्दी ले जाओ। साधना बेटा सुनिए जी क्या हुआ? ये साधना कहीं नजर नहीं आ रही। अब वो सो रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना जी। तबीयत ठीक नहीं है? अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया? वो बुखार है शायद। मैंने उसे आराम करने को कहा है। आप चलिए ना जी, मेहमान लोग बैठे हुए हैं। नहीं मैं जरा साधना को देखकर आता हूँ। कहाँ है वो? हमारे कमरे में। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।